गुड़ी पड़वा के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई मेट्रो 2A और 7 का करेंगे उद्घाटन। गोरेगांव में शाम 4 बजे दिखाएंगे हरी झंडी। अब कम आएगी बिजली की बिल। मुंबई में टाटा के बिजली शुल्क में 4% और MSEDCL के बिजली शुल्क में 2% की होगी कमी। अडानी इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में इजाफा। मुंबई में आज से क्लीन अप मार्शल्स नहीं, मास्क ना पहनने पर नहीं वसूलेंगे जुर्माना। आज से महाराष्ट्र हुआ पूरी तरीके से अनलॉक। पीएम मोदी को मेल के जरिए मिली जान से मारने की धमकी। एनआईए की मुंबई यूनिट को भेजा गया ईमेल। मेल करने वाले ने कहा कि साजिश का खुलासा ना हो इसलिए कर रहा हूँ सुसाइड। मुंबई घरों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में आज 250 रुपए की बढ़ोतरी। मुंबई में उबर ने कैब सर्विसेज का किराया 15% बढ़ाया। तेल की कीमतें बढ़ने के बाद लिया फैसला। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। फिल्म की स्क्रीनिंग के जरिए बीजेपी बिगाड़ रही है देश का माहौल। सुप्रीमो शरद पवार का बयान। गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर राज्य सरकार में हलचल तेज। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, संजय राउत और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हुई बड़ी बैठक। शिवसेना को चाहिए राष्ट्रवादी का गृह मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर। भाजपा नेताओं पर कार्रवाई न होने पर शिवसेना नाराज। गृह मंत्रालय पर मुख्यमंत्री नाराज नहीं, कुछ गलती हुई तो हम सुधारेंगे। दिलीप वलसे पाटिल का स्पष्टीकरण। गोवा में बैनर्स पलानी के 24 छात्र कोरोना पॉजिटिव। ऑफलाइन क्लासेस को किया गया बंद। कॉलेज को किया गया सील। फडणवीस के जैसे गृह मंत्री का कामकाज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद संभाले। शिवसेना नेताओं ने की मांग। मेरे सहकारियों पर पूरा विश्वास। मुख्यमंत्री गृह मंत्री के कामकाज से नाराज नहीं, सीएमओ के हवाले से खुलासा। मैंने उद्धव जी से पहले ही कहा था कि वह गृह मंत्रालय खुद के पास रखे, नहीं तो एनसीपी उनके घर में भी कैमरा लगा देगी। चंद्रकांत पाटिल ने ली चुटकी। आरआर ने पहले सप्ताह में तोड़े कमाई के कई रिकॉर्ड्स। बॉलीवुड कुल वर्ल्ड वाइड कुल 710 करोड़ की कमाई। हिंदी में रिलीज फिल्म ने कुल 132 करोड़ कमाए। कल्याण और कसारा के बीच लोकल से कटी 3 भैंसे। मध्य रेलवे का रेल का यातायात कुछ देर के लिए हुआ था ठप। मुंबई के घाटकोपर में द कश्मीर फाइल्स के ऊपर दूध पर छूट देने वाले दुकानदार को मिल रहे हैं फोन पर धमकियां। दुकानदार अनिल शर्मा ने पुलिस से की शिकायत। अब हवाई सफर करना होगा महंगा। महीना शुरू होते ही बढ़े जेट फ्यूल के दाम। जेट फ्यूल की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में हीट वेव से किसान की मौत। गर्मी बढ़ने की आशंका। प्रशासन ने नागरिकों को धूप में ना निकलने की अपील। मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के खिलाफ 2 साल पहले दर्ज केस में दायर हुई चार्जशीट। कोरियोग्राफर पर लगा पॉर्न फिल्म दिखाने एयर मोलेस्टेशन करने का आरोप। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 123 मामले, 2 लोगों की मौत। मुंबई से 32 मरीज आए सामने। कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन करने से नहीं बिकती टिकट। आप द कश्मीर फाइल्स का ही उदाहरण ले ले, कपिल के शो पर प्रमोशन ना करने को लेकर जॉन इब्राहिम का अहम बयान। मुंबई में कल पेट्रोल डीजल के दामों में होगा इजाफा। 80 पैसों की होगी बढ़ोतरी। आज दामों में नहीं हुआ था बदलाव। मुंबई में आज सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी। सोना 52,470 रुपए तोला, वही चांदी के दाम बढ़कर 67,600 रुपए किलो हुए। मुंबई मेट्रो रेल 3 भूमिगत परियोजना को लेकर बड़ी खबर। अधिकारी ने कहा 2-2.5 साल और लग सकते हैं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार।
भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।